क्या बात है? मेरी बेटी एग्जाम के लिए पढ़ रही थी, शराब पीकर मेरा पति गलत हरकत कर रहा था। बहुत कोशिश करके देखी मेरी बच्ची को बचाने के लिए, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। तुम्हारा पति करता क्या है? उसका ही सर काट दिया साहब। बेटा आज तेरी कौन सी एग्जाम है? हिंदी। पशुपति जी FIR बना दिया? कर दिया सर। उसे फाड़ दो, इस लड़की को एग्जाम के लिए लेकर जाओ। सर देखो जीजा से बात करके मैं ऑर्डर लेके आता हूँ। बेटा तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर एग्जाम दे दो। महालक्ष्मी इनकी ही सर, हम लोग बहुत परेशान हैं, प्लीज उसे ढूंढिए ना सर। ये भी इनके रिलेटिव है और ये कस्टम में है, इसलिए रिपोर्ट थोड़ी जल्दी। नहीं सर, वो स्कूल से आई ही नहीं। यस वो उस घर के बाजू से गुम हो गई है, इसलिए आजू बाजू के घर में CCTV कैमरा है तो हमें जाकर उन्हें भी चेक करना होगा। यस सर। जब लड़की गुम हुई थी उस वक्त घर में कुत्ते के गले में गिफ्ट बॉक्स बंधा हुआ था, उसे देखकर पेरेंट्स बहुत डर गए। ये है वो गिफ्ट बॉक्स। ये लीजिए। ए, किससे पूछकर तूने उस मर्डर करने वाली औरत को रिलीज किया? वो खुद अपनी बच्ची पर ले। वो लड़की भी अपने अम्मू के उम्र की होगी जीजा जी। तो क्या हुआ, अपनी मर्जी चलाएगा क्या? मेरी मर्जी से नहीं किया, IPC सेक्शन 120, खुद की रक्षा के लिए जो मर्डर किया है उसी को ध्यान में रखकर मैंने उसे रिलीज किया। तो रूल्स के आधार पर तूने उसको रिलीज किया? क्या मैंने अपने साइन करके ऑर्डर पास किया था? तो क्या करता, वहाँ पर वेट करता? वहाँ एक सब इंस्पेक्टर को रखकर एक फॉर्मेलिटी के लिए इंक्वायरी करके वो केस खत्म होने तक उस बच्ची की लाइफ बेकार हो जाती। तो कुछ भी बोलता रहेगा, कल अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बात करता है कानून की और करता है अपनी मर्जी का। मेरा रिपोर्ट कार्ड साइन करके उसे तो। काम की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा वैसा काम करके सैलरी लेता हूँ? इस काम के लिए रहम वहम सब बेकार है, समझ गए तुम? कल इस केस के बारे में अगर कुछ पूछा जाएगा तो जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा ना, तुम्हें काहे की चिंता है? इसमें लोकल पार्टी को भी संभालना पड़ता है, जितनी सैलरी मिलती है ना बस उतना ही काम कर, उससे ज्यादा नहीं करना। अरुण यही तेरा फर्स्ट और लास्ट है, मैं कह रहा हूँ। सुन गया ना, तुम्हारे लिए भी फर्स्ट एंड लास्ट। माँ आ गई ना? सुबह सर दर्द है ऐसा कह रही थी। ओह अच्छा हुआ। मामा एक नई टीचर आई है, उस समय कोकिला की बेटी हूँ, पता नहीं है। अभी के लिए तुम ही मेरे पापा हो, कुछ भी पूछे सिर्फ सिर हिलाना, मेहरबानी करके मुंह मत खोलना। 3 थप्पड़ मार लो मगर मुंह मत खोलना प्लीज। बहुत बोलती हो, चलो। एक्सक्यूज मी मैम, कम इन, बैठिए। आप सच में इसके पिताजी हैं? क्या यकीन नहीं हो रहा? यकीन नहीं हो रहा क्यों? नहीं, बहुत यंग दिख रहे हैं इसलिए पूछा। थैंक यू। मामा फिसल गया लगता है। मिस मैं क्या करूं, बचपन में ही मेरी शादी हो गई थी, मौत के करीब थे मेरे चाचा, तो मेरा हाथ इसकी माँ के हाथ में रखकर चले गए। ठीक है वो छोड़िए, आपकी बेटी ने क्या किया है पता है? पता नहीं मिस। प्रोग्रेस कार्ड पर आप जैसे ही साइन है। अरे बाप रे ये क्या है? लेकिन मैंने पहचान लिया। आप ब्रिलियंट है मिस, तुझे तो मैं तेरी इतनी हिम्मत, तू ये सब करेगी? ठीक है मैं जाती हूँ। तुम कह रही थी ना तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, घर में थोड़ा आराम करना चाहिए था ना, एग्जाम है बोल कर स्कूल में आना चाहिए था क्या? रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए। तो फिर आप कहाँ आ रहे हैं? वो साइंटिफिक कैलकुलेटर अम्मू मांग रही थी ना, तो मैं उसे सरप्राइज के तौर पर देना चाहता हूँ। देखिए जी ऐसी चीजें ही देना ठीक है, पैसे देकर सर पर मत चढ़ाइए उसे। जानता हूँ मैं। आप इसे ऐसे मत मारिए, बेचारी लड़की है, इसने जो किया है वो बहुत गलत है मिस। इसलिए इतनी मार? माँ नहीं है इसलिए मुझे इतना मार रहे हैं ना? ये बात मैं भूल गया क्या?
माँ नहीं है अम्मू। अरे जो भी कर मगर बोल कर कर, इसके बाद मैं तुझे नहीं मारूंगा अम्मू, नहीं मारूंगा। आई एम सॉरी। मुझे तुम अपनी माँ की याद मत दिला रहा, अपनी माँ की याद मत दिला रहा। उसी के लिए तो कमा रहे हूँ ना। अगर वो तुमसे मांगेगी तो क्या? नहीं। ए? हाँ? मैम क्या हुआ? इस लड़की ने अपने प्रोग्रेस कार्ड पर पिताजी के साइन खुद किए हैं। ये उसी लिए रो रही नहीं, है क्या? इसके पिताजी ने इसे बहुत मारा। हाँ? क्या बोल रही हैं आप? हाँ बिन माँ की बच्ची है। आ? बिन माँ की बच्ची? ये सब किसने बताया? इसके पिताजी ने। मैंने कुछ नहीं बोला। वो यही है। अरे बाप रे मर गया। हाँ? ओ इसका बाप ये है क्या? सर सर हाँ। नमस्ते। अपना ही है। नमस्ते मैम, इसकी जो मरी हुई माँ है ना वो मैं हूँ, और ये मेरा छोटा भाई है। अम्मू का बाप मैं हूँ। अम्मू का मामा मैं हूँ। अब तक शादी हुई नहीं है मेरी। सर और कुछ पूछे क्या? नहीं एक छोटी इन्फॉर्मेशन देनी है। अम्मू ये सब क्या है? पिताजी के झूठे साइन करके लाती हो, मामा को पिताजी बनाकर लाती हो। मैम सब मेरी गलती नहीं है, आपको पता है पिताजी की साइन मामा ने ही की है। अरे बाप रे। ये जो मेरे साइन है ना, ये तूने मुझसे भी अच्छे किए हैं, इसीलिए फंस गया तू। इसे एक शॉल उड़ा दीजिए और इनाम में साबुन का बॉक्स दे दीजिए। मैं आपसे 100 बार कह चुकी हूँ, इसके बाद भी आप खामोश रहते थे। देख लिया ना कितनी हरकतें बढ़ गई हैं इनकी। स्कूल में पढ़ाई भी बेकार हो गई है। आप तो कुछ बोलते नहीं है और मैं कुछ कहती हूँ तो सुनते नहीं है। अम्मू चटनी चाहिए क्या? ए क्यों जी मैं पूछ रही हूँ ना। बोलो। एक तो इसे साथ में रखा है, ऊपर से आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। अच्छा होगा हॉस्टल भेज दे, तभी ये सुधरेगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम स्कूल में नहीं आओगी, ऐसा अम्मू ने बोला था, तो फिर तुम स्कूल क्यों आ गई? ए सबसे पहले तुझे सुधरना होगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों जी आप कोई स्कूल देखेंगे या फिर मैं ही देखकर आऊं? बोलिए ना। नहीं पापा। थैंक यू। छुपा छुपा कर रख रही हो ना, लेकिन ऊपर से एक आदमी देख रहा है, जानती हो ना। अब क्या करोगी तुम? कोई बात नहीं मैं बताता हूँ, जो जहाँ से लिया है वहाँ पर रख दो, ठीक है ना? हाँ? अरे तुम कायल। हेलो। जल्दी चलो। ए, कितनी बार कहा है अजनबियों से बात मत किया करो, लोग अच्छे नहीं होते। सिर्फ बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन बहुत खराब होते हैं, बैड बॉयज। बी वेरी केयरफुल। क्यों जी एक साइन क्या कर दिया? तो उसके लिए मुझे क्रिमिनल के रेंज तक पहुंचा दिया। वो छोटी गलती क्राइम ही होता है। ओहो।
बोलिए जीजा जी। फोटोज ले ली ना? हाँ ले लिए। सुबह पुलिस स्टेशन में देनी है, संभाल के रखना। जी ठीक है। ये छुपा कर रखा था, ये घर में बहुत है। जाओ जहाँ से लाई हूँ वहाँ रख दो। अरे जाओ। शैतान कहीं की माँ। जाओ कोई देखने से पहले रख कर आओ। जाओ। मैम वो सब बच्चों को रख लेने दीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं। नहीं नहीं उसे रख लेने दीजिए, क्योंकि इसके पैसे ऑलरेडी दे दिए गए हैं। किसने दिए? वो बाहर जो बाइक निकाल रहे हैं ना। ढूंढेंगे उसे। जीजा जी अपने पास एक ही एविडेंस है उस गुड़िया का सर, उसी के जरिए आगे बढ़ना है। ये आगे बढ़ना वड़ना तू मुझे मत सिखा, समझा? जीजा जी अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना तो हम जरूर उसे पकड़ सकते हैं। अमुदा को जिसने कत्ल करने की धमकी दी थी डेविड राजा, उसे पकड़ लिया है। केस खत्म हो रहा है या नहीं तू जाकर ये देख। नहीं जीजा जी ये केस आज खत्म नहीं होगा। तू ऐसी सब बातें क्यों करता है? जीजा जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। उस लड़की को लव लेटर दिया था, ये सब सही है मैडम, लेकिन उसकी कत्ल करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है मैडम। तो फिर पुलिस को देखकर भागा क्यों था? हम डर से भागा था मैडम। सही वक्त है जीजा जी, एविडेंस के बारे में कह दूं क्या? जल्दी बोल। वो लेडी है ना वो थोड़ी क्रैक टाइप की है, हायर ऑफिसर्स भी होंगे तो भी नहीं सुनेगी, और तेरे जैसे नाई को तो बिल्कुल इजाजत नहीं देगी। तो आप जाकर बता दीजिए। हाँ यार उनकी जो भी बात है ना सिर हिला के सुनता रहता हूँ मैं, तो क्यों मुझे फंसा रहा है? जीजा जी हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। कोई भी छोड़ उसे, क्यों मैं ऐसा झोंका? आवाज कैसी हो रही है? नहीं मैडम इसी केस के बारे में पूछ रहा था। जीजा जी याँ। आ, इसे किसी भी तरह मार और सच उगल वाले चल। मार ना चल। मैडम 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 हेलो। हाय बच्चा खाना खाया? आज थोड़ा काम पर बिजी है ना मम्मा? चाची क्या कह रही है? अच्छा ठीक है ठीक है आकर मिलती हूँ, फोन रखती हूँ बेटा। हाँ ठीक है ओके बाय। क्या हुआ तुझे? मैम इसे मारना वेस्ट है, हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो कोई रेपिस्ट या किडनैप करने वाला या फिर वन साइड लवर नहीं है। वो प्लान से हत्या करने वाला मानसिक संतुलन खोया हुआ इंसान है, जैसे वो होते हैं ना वो साइको। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैम एक मिनट। मैम एक्सक्यूज मी। मैम ये थोड़े दिन पहले गुम हुई समीपता का फोटो है और ये दो दिन पहले गुम हुई अमुदा का फोटो है। दोनों को अगर मिलाकर देखें तो दोनों की उम्र 15 साल की है, स्कूल स्टूडेंट्स, और स्कूल से घर जाने के टाइम इन दोनों का किडनैप हुआ है। जब समीपता की बॉडी निकाली थी तो उस वक्त का लिया हुआ फोटो है ये। ये दो दिन पहले अमुदा को किडनैप किया था, उसके बाद उसका घर से मिला हुआ ये फोटो देखिए। ये देखिए मैम समीपता के सर से जो बाल निकाला गया है वैसे ही इस गुड़िया के सर से भी बाल निकाला गया है, जिस तरह समीपता की आंखों को निकाला गया है और इसका मुंह जिस तरह से खराब किया गया है उसी तरह गुड़िया का भी है मैम। और वो छोड़कर मेन पॉइंट, जैसे कि सामने वाले ने माथे पर, कान पर, नाक पर जिस तरह समीपता को घायल किया उसी तरह गुड़िया को भी घायल किया गया है। सो
ये सबसे लगता है कि दोनों इंसिडेंट एक ही आदमी ने किए होंगे। इसका मतलब कि वो साइको होगा। सिर्फ यही नहीं मैम, अब तक साइकोस के बारे में जितनी सारी न्यूज आई हैं, तो 27% मारने के टाइम किसी को अगवा करने के बाद अपनी निशानी छोड़कर जाने की आदत होती है। उदाहरण के लिए 1970 में अमेरिका में ज़ोडियक नाम का एक सीरियल किलर था। वो 10 लोगों को शूट करके मारकर क्रॉस का सिंबल निशानी के तौर पर छोड़ता था। डेनिस रेडार नाम का एक इंसान एक लड़की के रूप को अपनी निशानी के तौर पर छोड़कर गया था। और उस पिक्चर को अगर घुमाकर देखा जाए तो बीटी के नाम का एक इनिशियल नेम है। अपने इंडिया में साउथ मुंबई में रविंद्र नाम का एक आदमी कत्ल करने के बाद बियर बॉटल छोड़कर गया था। वॉशिंगटन में जॉन एलन मोहम्मद नाम का एक आदमी, उसने कॉलिंग कार्ड को निशानी के तौर पर यूज किया है। उसी तरह एक जॉन फियांसी आदमी है, टूटे हुए क्रॉस का इस्तेमाल करता था। मैम, वो कत्ल करने की स्टाइल को ही निशानी के तौर पर छोड़ देता था। 19th सेंचुरी में लंदन का एक जैक द रीपर कॉल गर्ल्स को मारकर उनके बदन के दो टुकड़े करता था। ये क्यों इस तरह साइन छोड़कर जाते हैं और आगे वो क्या क्या करने वाले हैं, वो सारे निशान देखकर पब्लिक को डर लगता था। उसे देखकर साइकोस मजा लेते थे और यही उनकी चाहत होती है। ऐसे 100 के ऊपर एग्जांपल्स हैं मैम। उसी तरह इस केस में जो निशानी है वो है इस डॉल का सर। अभी वो अपने डर को मजे में ले रहा होगा, इसलिए कह रहा हूँ हमें इस रूट पर चलकर देखना चाहिए मैम। इसका मतलब हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं? मैम, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। ये जो संयुक्ता का कत्ल हुआ था ना, उस वक्त ऐसी गुड़िया का सिर नहीं मिला था ना। मैम, उसके लिए हम इंक्वायरी कर सकते हैं मैम। ओके, संयुक्ता के मर्डर केस को तुम ही हैंडल कर रहे हो ना? मेरी कहानी के लिए मैंने ऐसा न्यूज आर्टिकल कलेक्ट करके रखा था मैम। तुम असिस्टेंट डायरेक्टर थे, बाप का नाम यूज करके SI बन गए हो, है ना? मैम, ए अनाप शनाप खाकर यहाँ उल्टी मत किया करो। तुम्हारी ये जो स्क्रिप्ट है ना, वो फिल्म के लिए यूज करो। केस के अंदर लाकर मेरा भेजा मत फ्राई करो। हाँ तो अगर तेरा दिमाग सही चल रहा होता तो अभी तक तू डायरेक्टर बन गया होता। वो नहीं बना इसलिए यहाँ काम कर रहा है क्या? मैम प्लीज, संयुक्ता के किडनैप के 2 दिन बाद दर्दनाक तरीके से उसकी लाश मिली थी और अमुदा को गुम होकर 2 दिन हो चुके हैं। मैम, अगर हम तुरंत एक्शन नहीं लेंगे तो अमुदा का भी यही हाल हो सकता है मैम, और यही होगा। ए, तू मुझे ऑर्डर मत दे, जा सिगरेट लेकर आ जल्दी। जाना मैं ACP बोल रही हूँ, उस एरिया को कवर करो। मीडिया और पब्लिक को अंदर मत आने देना, फोटो और वीडियो को भी अलाउ मत करना। I'm on the way। ए अरुण, तूने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उस SI ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। मेरी परमिशन